हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपराजिता के प्लांट की टोपियारी बनाना बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक गमले में दो प्लांट लगा दिए हैं, तीन प्लांट लगे हैं आप देख सकते हैं। एक अभी काफ़ी छोटा प्लांट है हमारा, और ये प्लांट जो है हमने इन्हें सीड से तैयार किया है घर पे ही। और इनकी टोपियारी बनाने के लिए हमने दो गमले लिए हैं, एक ये गमला है और एक ये गमला है। और दोनों गमले में आप देख सकते हैं हमने स्टिक को लगा दिया है, और ऊपर हमने वायर को लगाया है जिससे हमारा ये गेट का शेप बनकर तैयार हो, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो स्टिक को लगाने से पहले आप देख सकते हैं ये पॉली बैग जो है, इसमें हमने स्टिक को लपेट कर और फिर मिट्टी में डाला है जिससे पानी पड़ने से हमारी जो स्टिक है वो गले नहीं। हमारा ये जो प्लांट है इसको इस स्टिक के सहारे इस रील से हम इस धागे से बांध देंगे जिससे ये हवा में हिलेगा नहीं, स्टिक के सहारे ऊपर चला जाएगा और टूटेगा भी नहीं हवा से। तो इसको अभी हम आपको बांध कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हमने धागे से बांध दिया है स्टिक के सहारे। अपराजिता के सीड्स को लगाए अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं, और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये देखिए आप, बड्स आई हुई है और एक दो फ्लावर इसमें रोज़ खिलते हैं। अपराजिता का जो प्लांट है ये लकी प्लांट माना जाता है, ये घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अपराजिता का जो प्लांट होता है इसमें कई कलर के फूल आते हैं। हमारे पास जो प्लांट है इसमें ब्लू कलर के फ्लावर खिलते हैं, तो इसमें एक वाइट भी आता है और एक कलर शायद और आता है, तो इसमें 2-3 कलर का प्लांट होता है ये। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कितने हमने सीड से अपराजिता के प्लांट तैयार किए हैं। तो एक आप ये देख सकते हैं छोटा है अभी, और इससे छोटा अभी ये है हमारे पास अपराजिता का प्लांट। और आप देख सकते हैं एक ये हमारे पास है, और इसमें आप देख सकते हैं फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो कितना प्यारा ये फूल खिलता है, इसकी शेप देखिए आप कितनी सुंदर लग रहा है ये फूल। तो इसमें अभी एक ये कल खिला था, पहली बार ही ये कल फ्लावर खिला था, और एक आज ये खिला है। तो इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर खिलते हैं, इसके कलर भी कई होते हैं। तो हमारे पास ये ब्लू कलर का है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।